जिस आदमी के एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा क्या मंशा है उसकी। उस मंशा से मैं तो मैंने कहा आपसे कि मैं दो चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे एक हमारे यहां वक्फ मंत्रालय है, 95 में एक्ट बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, 95 में एक्ट बना। आप ये बताइए वक्फ की कोई जब आपको कहीं कोई डिफिनेशन मिली नहीं, आपने कहां से वक्फ मंत्रालय क्रिएट कर दिया हमारे भारत सरकार ने, हमें बताइए ना, हमें दिखाइए कि कांग्रेस बताए हमको, हम ये सवाल आज नहीं उठाएंगे कल उठाएंगे कि हमें ये बताइए कि आखिर ये वक्फ कहां से शुरू हुआ। अगर शरीयत में कहीं से इस्लाम का पार्ट है तो मुझे दिखा दीजिए, मैंने ये सब जानते हैं, सब मेरे बच्चे बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। मैंने ही कहा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या चीज है, हमारे देश का एक लॉ है, ये मुसलमानों का पर्सनल लॉ क्या होगा, किसने बना दिया ये, किसने इनको अधिकार दिया है कि आप एक पर्सनल लॉ बनाइए। फिर जब मैंने इन पर स्टेटमेंट देना शुरू किए कि भाई ये तो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, ये चंद लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश और देश में अगर हम बात मुस्लिम समाज की करें तो आप कहते हैं 25 करोड़ के आसपास होंगे मुसलमान। तो जब 25 करोड़ मुसलमान हैं तो ये चंद लोग कोई लॉ बनाकर हमें चलाएंगे, वो भी दो ही जगह है, देवबंद और फरेली। मैंने क्या कहा तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैंने कहा, मैंने कंडेम किया, मैं आज भी कर रहा हूं कि ये कुछ चंद लोगों का अपना बनाया हुआ और ये भी अनरजिस्टर्ड है, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इसका कोई, और इसका दबाव तुष्टिकरण के चलते कांग्रेस ने ऐसा लिया कि शाहबानो बिचारी जो केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीत गई थी उसके फैसले को पलटवा दिया। लेकिन हम तो धन्यवाद करेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कि उन्होंने कम से कम ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को खत्म किया देश में, और ये हमारी सरकार है कि हम जनहित के निर्णयों पर ये पैरों में पड़ी बेड़ियां ट्रिपल तलाक की जो कहीं किसी देश में नहीं है, खाली उत्तर प्रदेश और देश में हमारे रहेगी, पूरे दुनिया के 22-23 मुल्कों में नहीं है। नहीं। तो ये हमारे यहां क्यों थी, इतने दिन तक इसकी आवाज भाजपा ने उठाई तो आप कह देंगे कि साहब ये इसलिए उठाई कि हमको कोई हिंदू मुस्लिम करानी थी, हमें उनको न्याय दिलाना था जो आप हमारे समाज की बहनें जिनके पैरों में ये बेड़ी पड़ी हुई थी कि उनको तलाक दे दिया गया, वो कहीं जा ही नहीं सकती और तलाक के बाद वो बेचारी फिर वो इद्दत के दिन पूरे करें फिर नहीं तो हलाला करें, दुनिया भर की चीजें निकल कर आई। तो जब ये लगा कि भाई नहीं ये तो बहुत बुरी चीज है इसको खत्म करिए, और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने शादी रजिस्ट्रेशन एक्ट शुरू किया कि जो भी शादी हो आप जाइए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, भाई ये तो आपने घर में कर लिया हो, एक पत्र हमारे यहां मिल जाता है, उनका नाम हो गया, लेकिन इसको रजिस्टर तो करिए ताकि हमारी उस बच्ची को अधिकार तो मिले जिसको हमने उसके दूसरे के साथ में बांध दिया है, कल को उसका दिल भर गया उसने ट्रिपल तलाक कह दिया, थी तलाक तो गई, अब हम इस लायक नहीं बचे, हम बूढ़े हो गए, अब बच्ची रो रही हमारे सामने, हम कहां ले जाए उसको, तो उसका अधिकार से उसको मतलब वंचित ना हो, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया हमारे यहां तो वो आदरणीय योगी जी ने कर दिया उत्तर प्रदेश में। जी ये छोटी